मंडी शहर में गत रात चोरों ने दो दुकानों में सेंध लगाकर आभूषण व इलेक्ट्रॉनिक के सामान पर हाथ साफ किया। मामले की पुष्टि एएसपी मंडी पुनीत रघु ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मंडी शहर में चोरों ने एक बार फिर से सेंध लगाई है। चोरों ने शहर में स्थित वृंदा ज्वेलरी और पठानी इलेक्ट्रॉनिक स्थित शोरूम में सेंध लगाकर यहां मौजूद आभूषण व इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर हाथ साफ किया है। ये घटना गत देर रात की है। सुबह जब संबंधित दुकानदारों ने जब अपनी दुकानों पर ताले टूटे हुए देखे तो इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी सदर पुलिस ने टीम सहित मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना का जायजा लिया। मामले की पुष्टि एएसपी पुनीत रघु ने की। उन्होंने बताया कि इस घटना के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। उन्होंने बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाली चोरों की गैंग भी हो सकती है, इसलिए पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि मंडी शहर में चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी शहर में चोरी की बहुत सी वारदातें हो चुकी हैं। देखिए, आज करीब 10 बजे के करीब वृंदा ज्वेलर्स के जो मालिक हैं श्री प्रकाश शर्मा, उन्होंने पुलिस थाना में सूचना दी थी कि उनके दुकान का शटर तोड़ के उसके दुकान के अंदर से कोई आदमी चोरी करके कुछ आभूषण ले गया है। जिसके बाद पुलिस पार्टी जो थी वो मौके पर पहुंची थी एसएचओ सदर के साथ, और अभी वो उसकी तस्दीक कर ही रहे थे तो उन्हें पता चला है कि सोनी की एक शॉप है पठानिया इन्फोटेक करके जो मंगवाई रोड पर है, उसमें भी एक सिमिलर नेचर की वारदात हुई है। तो अभी वो मामला दर्ज करके पुलिस जो है छानबीन कर रही है, जिसमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ गैंग जो है वो उन्होंने एक साथ ये सीरियल अटैक किया हो सकता है, और उसी में अभी पुलिस जितना भी उसमें हमारे को एविडेंस मिल रहा है उसको हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। आरएफएसएल की जो टीम थी उसको मौके पर बुलाया गया था, उनसे मौके से जो भी सबूत मिल सकते थे वो उठाए गए हैं और उसके भी जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज जितने भी हमारे शहर में लगे हैं जो रेलेवेंट टाइम पीरियड के थे उनको हम अभी चेक कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी वही हम यहाँ सिटी चौकी में कंट्रोल रूम में बैठ के उन्हीं को चेक कर रहे हैं। देखिए, गश्त जो थी वो रूटीन में गश्त थी, और इन दोनों ही बीट्स में जहां पे ये चोरियां हुई हैं, बर्गलरीज हुई हैं, वहां पे गश्त थी हमारी। तो क्योंकि वो चोरी तो हुई है तो एसपी साहब के आदेश के अनुसार वो जो दोनों बीट्स में जो कांस्टेबल और होमगार्ड्स थे उनमें से कांस्टेबल को पुलिस लाइन वापस भेज दिया गया है और होमगार्ड्स को वापस कमांडेंट साहब के पास भेज दिया गया है उनकी डिलीवर लेने के लिए।